आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही भल्ले की रेसिपी। दही वड़ा कैसे बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी आप घर में बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपके घर में कोई भी मौका हो, कोई त्योहार हो, रोज में अगर आप दही वड़े खाना चाहें, दही भल्ले खाना चाहें, तो आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि मेरा भल्ला अंदर से सॉफ्ट है या नहीं। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाना सीखें आप दही भल्ले की रेसिपी। तो यहां पर मैं आपको उड़द की दाल के दही भल्ले बनाना सिखा रही हूं, कैसे आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेनी है 1 कप के करीब उड़द की दाल। तो बिना छिलके वाली आपको दाल लेनी है। इसको आपको सबसे पहले अच्छे से धो लेना है, लगभग 2 बार आप धो लीजिए, क्योंकि दाल के अंदर आजकल काफ़ी गंदगी रहती है, तो उसको धोना बहुत ज़रूरी है। और धोने के बाद में आप इसको पानी भरकर रख दें इसमें, और दाल को लगभग ओवरनाइट सोख होने के लिए रख दें। देखिए, अगर सर्दियों का सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो रात भर के लिए छोड़ दें, और अगर समर सीज़न है, अगर गर्मियों का सीजन है, तो 5 से 6 घंटे में भी दाल आराम से भीग जाती है। तो आजकल विंटर्स है, तो मैंने इसको रात भर भिगो दिया। देखिए, दाल अच्छे से सोख हो चुकी है, फूल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पानी जो है वो उसको बिल्कुल छलनी से अलग कर देंगे, और दाल को हम मिक्सी के ग्राइंडिंग जाल में डालकर थोड़ा सा और पानी डालकर पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने दाल को मिक्सी के जार में डाल दिया, आधा कप पानी डाल दिया, और दाल को ढक्कन लगाकर हम पीस लेंगे। तो दाल को हमें यहां पर एकदम बारीक भी नहीं पीसना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा एक कण रहना चाहिए, यानी कि बिल्कुल फाइन करने की जरूरत नहीं है। जितना आप सिंपली इसको पीस पाएं उतना आप पीस लें आराम से। अदरक हरी मिर्च भी डाल देंगे, तो 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च भी मैंने इसमें मिला दी, और इसको भी पीस लेंगे। तो बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है दाल में, और उससे जब वड़े बनेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो हरी मिर्च अदरक डालकर मैंने दाल को पीस लिया और इस तरह से एक बोल में निकाल लिया। अब दाल को हमें कंटिन्यूअसली फेंटना होगा फ्रेंड्स, फेंटना बहुत ज़रूरी है दाल को स्पॉन्जी और फ्लफी बनाने के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छे से एयर ट्रैप हो जाए। तो इस तरह से आप चाहें तो कोई स्पून या फोर्क लेकर भी फेंट सकते हैं, या फिर हाथों से भी आप इसको बीट करते हुए फेंट सकते हैं। सिर्फ इसको हमें एक डायरेक्शन में इसी तरह से फेंटना है, जब तक कि ये बहुत अच्छे से एकदम फ्लफी नहीं हो जाती। दूसरी तरफ हमें एक बर्तन में डालना है 1 लीटर के करीब पानी, और इसमें आधी चम्मच नमक डालकर, आधी छोटी चम्मच नमक डालकर हमें इसको गरम कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पानी को ऑलरेडी गरम करके और उसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालकर रख दिया है। अब दाल हमारी यहाँ पर फिट चुकी है, अदरक हरी मिर्च हमने पहले ही डाली हुई थी पीसने में, और अगर आपने पीसते वक्त नहीं डाली है तो इस वक्त भी आप इसको बारीक काट कर डाल सकते हैं। अदरक को घिस कर डाल दें और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक एकदम काट कर भी डाल सकते हैं। साथ ही हमारे दही वड़ों को और भी ज़्यादा टेस्टी स्पेशल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे रेजिन्स, यानी कि किशमिश ऐड करेंगे। लगभग 1 टेबलस्पून मैंने डाली है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स, ज़रूर ऐड करें। तो देखिए, इसमें मैंने 4 से 5 यहाँ पर लिए हैं काजू, उसको भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट कर डाल दिया, और इसका टेस्ट तो फ्रेंड्स इतना कमाल आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। काजू बहुत क्रंची फ्लेवर देते हैं और बहुत ही बढ़िया नटी फ्लेवर आता है दही वड़ों के अंदर, और जो मीठा मीठा टेस्ट आता है ना रेजिन्स का, तो उसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं। तो फ्रेंड्स, आप मिक्स करने के बाद में है टेस्टिंग टाइम। तो टेस्टिंग टाइम में क्या हमें करना है, दाल फिटी है या नहीं अच्छे से, इसको जानने के लिए हल्का सा आप ले लें थोड़ा सा हाथ में इस तरह से दाल, और इसको पानी में डाल दें। आप देख सकते हैं दाल यहाँ पर ऊपर फ्लोट करने लगी है, इसका मतलब दाल हमारी वड़े बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। तो वड़ों में आप चाहें तो नमक डालें या ना डालें, आपके ऊपर है। हमने पानी में भी नमक डाला था, थोड़ा ही डाला था, और हमने दाल में भी नमक डाला है। बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से नहीं डालते हैं, डालेंगे तो बहुत अच्छा आपके दाल के जो वड़े हैं वो बिल्कुल भी फीके नहीं बनेंगे। तो मैंने आधी छोटी चम्मच थोड़ा सा बैटर में भी नमक डाल दिया। अब हमें क्या करना है, हाथों को गीला करना है और हमें छोटे छोटे वड़े तोड़ने हैं, हाथों से पकौड़ी तोड़ते हुए तेल में तल लेना है। तलने के लिए आप रिफाइंड ऑयल ले लें या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लें, और तेल को हमें मीडियम हाई हीट पर गरम करके इस तरह से इसमें छोटे छोटे वड़े डालने। तो स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखें, और जैसे ही हमारे वड़े ऊपर आने लगे वैसे ही हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब वड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद में हम इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे, और उसके बाद में तुरंत ही हमें जो गुनगुना पानी हमने करके रखा था नमक डालकर उसमें डालते जाना है, तभी हमारे वड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे वड़े निकल कर आ रहे हैं। तो आप इसको पकौड़ी भी बोल सकते हैं, दही की पकौड़ी बोलें, या फिर आप इसको वड़े बोलें। तो होली के मौके पर आप इसको बनाएं, मकर संक्रांति पर भी बनाए जाते हैं।
किसी और मौके पर भी आप बना सकते हैं, आपके घर में गेस्ट आने वाले हो तब भी आप इसको बनाकर रख लीजिए पहले से, और कभी भी आप इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से गुनगुने पानी में वड़ों को डालते जाएं। बाकी के वड़े भी इसी तरह से हम तल लेंगे और इनको गर्म-गर्म पानी में डालते जाएंगे। तो अब हमारे वड़े यहाँ पर सॉफ्ट है नहीं, ये जानने के लिए एक वड़ा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया जाली आई है फ्रेंड्स, ये फेटने का कमाल है। तो हमने दाल को बहुत अच्छे से फेटा था, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो टेम्परेचर होता है ऑयल का वो भी बिल्कुल राइट होना चाहिए। तो सारे वड़े इसी तरह से मैंने पानी के अंदर डाल दिए हैं। पानी कम लगे तो पानी थोड़ा सा गुनगुना बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको हम 30 मिनट के लिए इसी तरह से पानी में छोड़ देंगे, और 30 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं वड़े हमारे, इनका कलर चेंज हो चुका है और इन्होंने पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हल्का हल्का इनको निचोड़कर, इस तरह से बहुत हल्का पानी हमें निचोड़ना है, और इनको हम निकालते जाएंगे, और अलग आप इसको किसी बर्तन में रख सकते हैं। अंदर से देख सकते हैं, एक काट कर मैंने आपको दिखाया है, बहुत अच्छी जाली आई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। तो आप बिल्कुल वरी ना करें, बेझिझक आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइए। दाल को आप देख सकते हैं आधा कप पानी डालकर पीसे, बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना रखें दाल को। सारे वड़े मैंने इसी तरह से पानी में डालने के बाद में, हल्का निचोड़ने के बाद में मैंने एक बर्तन में निकाल लिए। तो इस तरह से किसी भी एयरटाइट डिब्बे में आप रख सकते हैं। आपके घर में पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, आप 2-3 दिन के अंदर आप खाना चाहते हैं, कई दिनों तक आप इसको रखना चाहते हैं, तब भी आप इस तरह से डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, और थोड़े थोड़े वड़े निकालते जाएं और दही में डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कांच का बॉक्स लिया है, और उसमें मैंने सारे वड़ों को इस तरह से डाल दिया। इसका ढक्कन लगा देंगे और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए। विंटर्स में 2-3 दिन चल जाते हैं, पर समर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लगभग सेम डे नहीं तो अगले दिन आप इसको कंज्यूम कर लें। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप के करीब फेटा हुआ दही, इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब पिसी हुई शक्कर डाल दी, साथ ही 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक और 1/4 चम्मच काला नमक डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये हमारा दही बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमने जो दही वड़े अभी रखे हैं वो हम डालते जाएंगे। तो जितने वड़ों की आपको ज़रूरत हो उतने वड़े आप इस तरह से दही में डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, और इनको डालकर आप लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो लगभग 15 मिनट के बाद में ये जो हमारे दही वड़े हैं इनको सर्व करने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब आप क्या करीजिए, आप लीजिए कोई भी बर्तन, कोई भी बोल लीजिए, आप इसको चाहे तो स्ट्रीट स्टाइल में यानी कि बाजार के तरीके से आप इसको किसी बोल में सर्व कर सकते हैं, या फिर स्टील की बॉल प्लेट्स में सर्व कर सकते हैं, या फिर इस तरह से पार्टी के लिए बना रहे, ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे, तो इस तरह से दही वड़ों को एक बड़े से आप किसी भी सर्विंग बोल में निकाल कर ऊपर से हरे धनिए की चटनी, इमली की चटनी से सजा कर ऊपर से थोड़ा सा डालिए लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, सफेद नमक और काला नमक, और उसके बाद में आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही स्पॉन्जी हैं। एक वड़ा मैं आपको अभी काट कर भी दिखाऊंगी। तो बनाकर देखिए फ्रेंड्स, खाकर देखिए, और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, मैं तो कहूंगी दुनिया का सबसे सॉफ्ट दही वड़ा है ये, दही भल्ला है ये। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू अगेन विद यू न्यू रेसिपी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।